सो हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान। जैसा कि हम शहनाज़ गिल को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रमोशंस में बड़ी कसरत के साथ में बिजी हैं। अब से कुछ टाइम पहले शहनाज़ सारेगामा के स्टेज पर पहुंची थी, जहां से बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे। एटलीस्ट मैंने सारे वीडियो आप सभी से शेयर किए थे, मगर वहां पर इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आप सभी से सारी वीडियोस के द्वारा शेयर की थी कि शहनाज़ ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि खुलकर बोला होगा। आफ्टर सिद्धार्थ हम शहनाज़ के मुंह से बहुत कुछ बातें सुनना चाहते थे, शहनाज़ से रिलेटेड, सिद्धार्थ से रिलेटेड, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें। मगर अक्सर शहनाज़ काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि इन सब बातों को करने का मौका नहीं मिलता, और शहनाज़ ये खुद चाहती हैं कि अच्छा होगा मेरे लिए कि अगर मैं ऐसी बातें ना ही निकालूं, क्योंकि जब ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं तो वो सारी पुरानी यादें लगातार बैक टू बैक ताज़ा होती रहती हैं। तो शहनाज़ ने सारेगामा के स्टेज पर बहुत सारी एडवाइस दी रिलेशनशिप्स को लेकर के, साथ में ये भी एडवाइस दी मूव ऑन करना या ना करना, और मूव ऑन का एक्चुअल में पर्पस क्या होता है। सबसे पहले हमने शहनाज़ की एक स्पीच सुनी थी जहां पर उन्होंने मूव ऑन करने के बारे में बात बताई थी, और ये कहा था कि आप मूव ऑन कर जाओ अगर आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो भी आपको मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में। ये थोड़ा सा पॉइंट नोटिस कीजिए कि कितनी मैच्योरिटी के साथ में शहनाज़ गिल यहाँ पर अपना स्पीच दे रही थी। उन्होंने साफ कहा कि मूव ऑन करो अपने काम की ओर, मूव ऑन अपने काम की ओर करना चाहिए, ना कि अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम अपने रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ में लेके चलना है, चेंज करना है, या फिर आप वहाँ से हटना चाहते हो। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। अब ये इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है कि कौन कहाँ पर लेके जाए, ये उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। शहनाज़ ने मूव ऑन करने का मतलब बताया था, और अभी जो जस्ट अभी प्रोमो रिलीज़ किया गया है सोशल मीडिया में, ये प्रोमो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर शहनाज़ रिलेशनशिप के बारे में बात कहती हुई नज़र आई। रिलेशनशिप पर शहनाज़ ने ये कहा कि ऑन स्क्रीन हो या रियलिटी हो, भाई सेलिब्रिटी में ये चलता है। इस छोटे से पॉइंट को समझो, जैसे हम शहनाज़ को पहले देखा करते थे, सिद्धार्थ शुक्ला हो, शहनाज़ गिल हो, अब हम बहुत सारे फैंस क्या फैंड हो जाया करते थे, यार सिद्धार्थ सामने नहीं आते, कबूलनामा सामने नहीं आता, शहनाज़ का रिलेशन सामने नहीं आता। तो फाइनली इन सब चीज़ों से एक चीज़ मुझे देखने को मिली है कि शहनाज़ सभी लोगों ने अभी भी ज़िंदा किया हुआ है, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। जब हम एक्चुअल में करके दिखाते हैं तो उसका पूरा मीनिंग समझ में आता है कि हाँ भाई, इस वर्ड का मीनिंग क्या है और इस रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंडस्ट्री हो या सोशल मीडिया हो, कोई इंसान चला जाता है, या तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता या फिर उसको बहुत जल्दी ही भुला देता है। अक्सर अक्सर हमने ऐसा बहुत बार देखा है, और यही सब सच्चाई है, रियलिटी है। जैसे शहनाज़ गिल को ट्रोल करते हैं काफ़ी सारे लोग कि ये अब सिद्धार्थ को भूल गई सिद्धार्थ को। हाँ भाई, तुम्हारे हिसाब से भूल गई वो, दैट्स इट, मगर उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या जानती है, वो क्या फील करती है, वो क्या सोचती है, वो अपने एक अकेलेपन को किस तरह से दूर करती है, ये तो सिर्फ उसको पता है ना, हम तो खाली बोलने बोलने के हैं। तो चलो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। जब शहनाज़ ने ये बात कही कि इंडस्ट्री में या फिर रियलिटी में ऐसा चलता है कि हर कोई अपने रिलेशनशिप को यही बात बोलता है कि जस्ट फ्रेंड, तभी सामने से आवाज़ आती है कि हाँ हमें तो पता है ये बात, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और तुम इससे अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप ये बात समझ सकते हैं कि शहनाज़ का रिश्ता कैसा रिश्ता था, एक अटूट बंधन था, सिर्फ एक शादी देखनी बाकी रह गई थी। जैसे हमने BBOTT में देखा था शहनाज़ को, भाई साफ साफ को बोला, सिद्धार्थ ने कहा था हाँ रिलेशनशिप तो है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है, डेफिनेटली है। स्टार्टिंग के डेज में शहनाज़ गिल खुलेआम तौर पर वीडियोस बना दिया करती थी, सिद्धार्थ को दिखा दिया करती थी। BB13 में अक्सर हमने ऐसा देखा जहां सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला को वार्न किया था, देखा होगा आपने BB13 में सलमान खान ने वीकेंड के वार पे सिद्धार्थ शुक्ला से ये कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला ये आपसे प्यार करती है और आप इस मैटर को थोड़ा सीरियस लो, हाँ इसको थोड़ा ढील मत छोड़ो, आप ये थोड़ा सीरियस मैटर है, ये आपसे प्यार करती है तो इसकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान। क्योंकि अक्सर बहुत बार स्टार्टिंग के डेज में ऐसा हुआ था BB13 में, हमें देखने को मिला था कि सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज़ से थोड़ा थोड़ा पीछे हो रहे थे और उनको थोड़ा सा बहुत कुछ बातें बोल रहे थे, और शहनाज़ इससे काफ़ी ऑफेंड भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बाहर ऑडियंस बैठी हुई जो अपने दिल लगा कर बैठी हुई थी, उनके भी बहुत ज़्यादा दिल टूट रहे थे। तो सलमान खान ने ऐसा नहीं कि ऑडियंस का दिल रखा, सलमान खान ने वहाँ पर शहनाज़ जोड़ी को मेंटेन किया,
सिद्धार्थ को ये कहा। और जब BB13 की जब सिद्धार्थ शुक्ला विनर बन गए थे, पार्टी हुई थी, उसकी सारी डिटेल्स मैंने आप सभी से शेयर की हुई है कि सलमान खान ने किस तरीके से सिडनास के रिलेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हाथ हम कहेंगे वो सिर्फ सलमान खान का है सिडनास के रिश्ते में, क्योंकि एक मैच्योरिटी के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दोनों के बीच में हो जाया करती थी तो उसका सॉल्यूशन भी सलमान खान निकाल के दिया करते थे, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। ऑन कैमरा चीज़ें दिखाई दिया करती थी मगर ऑफ कैमरा दिखती नहीं थी। जैसे आफ्टर BB13 पार्टी हुई थी, सिद्धार्थ शुक्ला को लंबी चौड़े स्पीच में सलमान खान ने समझाया, वो बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। मैंने भी आप सभी से पूरा डिटेलिंग के साथ में बताई थी कि एक्चुअल में पूरा मैटर था क्या वो। चलिए बहरहाल, शहनाज गिल ने सारे गामा के बहुत ज़्यादा खुल के स्पीच दिए, अपने रिलेशन के ऊपर बोला। हालांकि ऐसा नहीं कि यार हम रिलेशन में थे, मगर बहुत सारी बातों से हम साफ साफ आइडिया लगा सकते हैं कि शहनाज गिल का इंटेंशन बोलने का क्या है। शहनाज अपने कहते हैं ना कि इंसान सामने वाले को तभी समझाता है जब वो खुद एक्सपीरियंस्ड होता है। हम अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो ही हम सामने वाले को एडवाइस करेंगे, तो वैसे ही शहनाज एडवाइस कर रही थी मूव ऑन करने को लेकर और फिर उसके बाद से रिलेशनशिप को लेकर। फिर शहनाज ने ये भी कहा कि रिलेशनशिप को मुझे पता है कि जस्ट फ्रेंड ही कहा जाता है, तो ये शहनाज से बेहतर कौन जानता होगा। हमें साफ साफ दिखा रैम्बो बनता हुआ। खैर, आज सिद्धार्थ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आज भी सभी फैंस ने सिद्धार्थ शुक्ला को अपनी यादों में, अपनी बातों में, अपने रिएक्शंस में, अपने कामों में बरकरार किया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है कि एक शख्स इस दुनिया में जिसको हम इतना ज़्यादा चाहते थे, इतना प्यार करते थे, हर पल देखने की उम्मीद रखा करते थे, वो अचानक से हमारी नज़रों से ओझल हो गया, चला गया हमारे दुनिया से। मगर आज भी उसकी हम वैसे ही परवाह करते हैं जैसे कि उसके यहाँ होते हुए परवाह किया करते थे। भाई बहुत अच्छा लगता है मुझे सोशल मीडिया में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड हाँ, शहनाज गिल बहुत मैच्योरिटी के साथ में स्टेप्स ले रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, चाहे भले ही काम कर रही हैं। देखिए, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सिद्धार्थ चला गया तो बदल गई, सिद्धार्थ चला गया तो इसमें बिल्कुल एटीट्यूड आ गया, सिद्धार्थ का नाम लेकर आगे बढ़ रही है। ठीक है भाई, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हारे हिसाब से जो मानना है तुम मान सकते हो, दैट्स इट। उसको जो करना है, जो बेटर लगता है वो करे, तो फिर क्या करे। अगर काम ना करे बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर जो भी है एनीथिंग एल्स, अगर वो काम ना करे तो फिर घर पर बैठे क्या क्या करेगी क्या वो अकेली ऐसे। अगर ऐसे वो घर पर बैठ जाती है तो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होगा। सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को अलविदा कहे गए थे तो सिद्धार्थ शुक्ला की माँ ने शहनाज गिल को बहुत अच्छी तरह से संभाला था, ये बात ना भूलिए। और सिद्धार्थ की माँ ये चाहती थी कि शहनाज अपने काम की ओर लौट जाए, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ थी, सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्योंकि सबसे पहले शहनाज गिल पॉजिटिव थी, वो थी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। सिद्धार्थ को सीरियस लेती थी शहनाज गिल, सिद्धार्थ के बाद शहनाज गिल का काम था। सिद्धार्थ के बाद जो सीरियस लिया करती थी तो वो था शहनाज गिल के लिए काम। अब जब वो शख्स इस दुनिया में रहा ही नहीं तो भाई बचा कौन, काम बचा ना, तो वो अपना काम मैच्योरिटी के साथ में, मेहनत के साथ में, अपने हार्डवर्क को प्रेजेंट कर रही है तुम सब लोगों के आगे। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, नहीं दिखाना दैट्स इट, कोई ज़बरदस्ती नहीं, मत दिखाओ, आप पीछे हट सकते हो। मतलब हेटर्स लोगों का काम ऐसा होता है कि वो वीडियोज़ देखेंगे भी और फिर हेट भी फैलाएंगे, कमेंट्स भी करेंगे, यार ये वैसी हो गई है, ये वैसी हो गई है। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना, तुमसे कोई मांग के थोड़ी खा रही है, तुम्हारा कोई बिगाड़ थोड़ी ना रही है। वो जो कर रही है अपने लिए कर रही है, इंडस्ट्री के अंदर जैसे काम कर रही है, उसका सपना था बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना, उसका सपना था ऊंचाइयों पर जाना। आज फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, तावर तोड़ वाला सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से फैंस अपनी पावर दिखाते हैं, वाकई में ये पावर आज तक मैं मानता हूँ कि कभी किसी सेलेब्स के लिए देखने को नहीं मिली, इंक्लूडिंग बड़े बड़े स्टार्स। मेगा स्टार्स को आप हटा दीजिए, वो तो ऑलरेडी हैं मेगा स्टार्स, मगर जो भी इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुका है या कर रहा है, टीवी इंडस्ट्री, भाई काम मांगने के लिए इधर दर उधर भटकना पड़ रहा है लोगों को, ना जाने क्या से क्या कर रहा है, पैप्ड मीडिया रिपोर्टर्स लगा रहे हैं, एक्सपेंसिव फोटोशूट्स करवा रहे हैं, और आजकल तो कुछ BB13 के एक्स कंटेस्टेंट्स डब्बू रत्नानी के साथ में दिखाने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फोटोग्राफर है तो दिखाने के लिए एज अ इम्प्रेशन डब्बू रत्नानी के पास जा रहे हैं फोटोशूट कराने के लिए कि थोड़ा सा काम मिल जाएगा, या फिर बराबरी करने के लिए, है ना। वो सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया में देखने को मिलती रहती हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी से लाइव
किया जाए। लाइफ में डेली डेली नहीं आ सकता, मगर हाँ जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा वैसे मैं लाइफ आऊँगा। बहुत सारी बातें बहुत सारी आप सभी से करनी, मगर ये जो प्रोमो देखा है एक और सारे गामा का, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साफ साफ रैम्बो बनता हुआ नज़र आया, मगर हाँ ये चीज़ बेहद ज़्यादा अच्छी है। और इसी में सच्चाई है कि शहनाज काफ़ी मैच्योरिटी के साथ में, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड के साथ में सभी लोगों को अच्छी एडवाइस कर रही हैं। और इसमें अहम रोल और जोड़ लीजिए ब्रह्म कुमारीज का। ब्रह्म कुमारीज ने शहनाज गिल को सपोर्ट करने में, ट्रैक पर लाने में वापसी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। बहुत तबीयत के साथ में उन्होंने मेहनत करी है शहनाज पर, सिद्धार्थ की माँ ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जो आज नतीजा हम देख पा रहे हैं। सो फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों तरफ पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी एंड शहनाज की मूवी थैंक यू फॉर कमिंग, जिसके आने के लिए हम बेहद ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। 6 अक्टूबर को शहनाज गिल की पिक्चर देखेंगे थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत एक्साइटेड है एंड आप क्या एक्साइटेड है आप, या फिर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में मुझे कॉमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ।